पीछे जब सब चलेंगे तब तो यार बर्थडे की तैयारी अभी बस देखिए अभी क्या हो रहा है। मैं वेट कर रही थी कि ग्रैंड फिनाले हो जाए, सबको इनवाइट कर लूं, वो अभी सारे ये बलून है, बलून सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो बस एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर रही हूं सबके लिए। मेरा थीम मैंने अर्दी रखा है, व्हाइट बेज एंड ब्राउन कलर्स में आप सबको देखोगे अभी यहां पे आने वाला है। मैंने वही एल्विश मतलब थोड़ा
थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, ज्यादा उतना हो नहीं पाया, बट या दैट्स देयर। बर्थडे को लेके बताइए। आज मैंने वही, मेरा वैसे तो बर्थडे 12th अगस्त को था, बट मैं जेन्युइनली चाहती थी कि सब लोग आ पाए मेरे बर्थडे पे एंड ग्रैंड फिनाले के बाद ही सेलिब्रेशन हो। सो यस, इसीलिए आज मैं एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर रही हूँ अपने दोस्तों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए। आज मैंने अपना थीम अर्दी रखा है, लाइक कलर पैलेट रखा है वाइट, बेज एंड ब्राउन। तो जितने भी आपको आज कलर्स दिखने वाले हैं, ये तीन ही दिखेंगे। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी आ रहे हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। वाइट, बेज एंड ब्राउन। सो यार, टू ट्रांग ट्रांग मेरे फ्रेंड की पुनीत की जगह है, सो रूफ टॉप उन लोगों ने नया स्पेस पूरा बनाया, सो आई एम होस्टिंग देयर। सो मेरी आज सुबह ही उनसे बात हुई, मैंने उनसे वही पूछा आप कहाँ एडमिट हो, आपको कुछ भी मुंबई में लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो। उन्होंने मुझे वही कहा, अगर मैं ठीक होता तो पक्का आता, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम बॉम्बे आऊँगा हम डेफिनेटली जम के पार्टी करेंगे। तो आज वो अभी निकले ही हैं दिल्ली के लिए, सो डेफिनेटली आई बी इन टच विथ हिम। आई थिंक इज अ वेरी जेन्युइन गाय एंड मुझे पता है एक मैंने दोस्त डेफिनेटली कमाया है शो से, वो है अभिषेक। सो डेफिनेटली हम टच में रहेंगे एंड अगर मेरा दिल्ली जाना हुआ या वो बॉम्बे आएंगे तो हम कुछ और मिलेंगे। एल्विश से मुलाकात नहीं हुई, माय ब्रदर एक्चुअली मेट हिम लास्ट नाइट एंड उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, बट डेफिनेटली मैं उनसे मिलना चाहूँगी बिकॉज ही केम अक्रॉस एज अ वेरी जेन्युइन गाय टू मी। सो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू। यू लाइक द बैग? इट्स बाय माय फ्रेंड ओशियाना, ओशियाना क्लचेस। यार
केक हाथ में पकड़िए फिर काटेंगे कि बेटे रहना आसिफ ये माइक ड्रॉप था ना फिरा फिरा वाला माइक है ये माइक ड्रॉप बट मतलब है सो मच ऑफ स्ट्रेंथ और डिसाइड किया कि नहीं इस घर के अंदर मैं जाना चाहिए भाई ये मान समथिंग मैं जाना चाहिए भाई पीछे चल मैं गया एक घंटे के लिए भाई के साथ और मैं निकल गया अपने प्रमोशन के लिए बट नो मतलब इज अमेजिंग एंड आई थिंक आप सबको ताली बजानी चाहिए बिकॉज जब आप घर में जाते हो according to what they have seen in the show. The person who put the effort, the person who was genuine and who was honest, and he put all his energy into it, he was well deserving. Yes. So if Elvis won, that means you guys decided that he wins, yes, that he deserved it. Tell us something, right, about your love, the love you are receiving, the reception you got outside. Oh, incredible. This was incredible. Honestly, I've traveled the world and I never felt home more than India. And I want you guys to know that I'm looking for an apartment to buy here. Okay. So as I always, as I said before, I'm here to stay, and this is my time to actually prove it. So we're buying an apartment hopefully soon here, and I'll be spending most of my time in India. I'll be learning the Hindi, yes, language, and the next step is gonna be me and my daughter in India. And what would you like to say you met Akanksha also in the final night? Yeah. We had a nice dinner in Dubai. We talked about a lot of things, and we sorted out whatever was happening before I got out of the house. So things between us are amazingly good now, and we're close friends. And you never know what the future holds, right? So live day by day. Jack, did you meet Abhishek? He just started today and died. Did you know that? Did you meet? Had a
they haven't had the chance to meet him, but when we were on stage in the studio where we were shooting the finale, we had like a nice conversation, and it was short, but I wished him all the best, and I hope and I pray to God he gets well very soon. He's a wonderful person. He's a very, very, very nice guy, and he played really well in the game. And the fact he got to the final, I mean, that's a win. He was noticed by a lot of people, by you guys. That's a win. Like for me, I also consider myself, I reached 7 weeks. That's a remarkable win. So I'm grateful to that. I'm grateful to this experience, and I'm grateful to all of you. I tried, honestly. I did the approach. So when you do a mistake and you realize you've done something wrong and you do the approach to change the situation, that's kind of you. It shows a lot about you. So I did that. I did the approach, and I have all the will, the positive will to change the situation. But if I don't see a response from you, I'm not gonna change. I'm gonna still be the same person who apologized and who maintained his respect. So I did what I had to do, what I thought is logical to do. And from her end, I didn't receive anything. So things will end there. But of course, I have all the respect for her, and I wish her all the luck. Thank you so much. Dad, come here, bro. Dad, come here, brother. वेट जनता भाई अरे अब मिला नहीं अरे हो गया यार बाद में ले ले बाद में ले ले
अरे बैठ ना नीचे। Thank you.
इधर इधर और लेफ्ट टू राइट इधर लेफ्ट टू राइट इधर हम कोई चिल्लाएंगे नहीं गुड मैम लुक या थैंक यू दिनों में लोगों का दिल जीत सकता है तो आई थिंक ही डिजर्व्स इट। मैं मनीषा को करी थी, पलक को तो कर ही रही थी, मनीषा को करी थी और मैं कर रही थी अभिषेक को, और फिर जब एल्विश आया तो आई वाज लाइकिंग हिम आल्सो। हाँ, व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स आई वाज सपोर्टिंग पलक फर्स्ट, देन फलक आल्सो बिकॉज शी इज आल्सो अ फ्रेंड, एंड पूरी वो जर्नी देखने के बाद आई थिंक आई वुड गो विद अभिषेक, बट यस वाइल्ड कार्ड की एंट्री के बाद एल्विश दिल ले गया। सो या आई थिंक बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड, दे बोथ आर द बेस्ट, बट समबडी हैड टू विन। या आई थिंक उसके फैंस है, उसके फैंस सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या ही है ना, यही सिस्टम है ब्रो। ओह शी वाज द बेस्ट आई थिंक, शी वाज वेरी सेंसिबल एंड या आई लव हर टू। हेलो नमस्ते, कैसे हो सब? आप बहुत सुंदर है। क्या कहना चाहेंगे मैम, कल हिस्ट्री रची गई, एक फाइव कार एंट्री बिग बॉस का विनर बना। हाँ जी, यही कहना चाहूंगी, जो डिजर्विंग थे वो जीत गए, ऑडियंस का प्यार मिल गया उन्हें इतना सारा, और बहुत खुश हूँ उनके लिए, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। लेकिन आपकी खुशी बता रहे कि आप एल्विश को बहुत स्टार्टिंग से शायद सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी बट मैं नहीं फॉलो कर पा रही थी बिग बॉस, थोड़े बहुत जो प्रोमोज हमें दिखते हैं सोशल मीडिया पे वो सब देख रहे थे, और लग रहा था कि यू नो कोई स्ट्रांग वाइल्ड कार्ड आया है, और फिर वो जीत गए तो ऑफ कोर्स ही प्रूव्ड मी राइट एंड सो हैप्पी फॉर हिम। अभिषेक को देखा यार, अभिषेक को देखा ना, ऑफकोर्स पलक दीदी सब थे बिग बॉस में तो उन्हें फॉलो करी थी, उनकी प्रोफाइल पे सब दिख रहा था, सो डेफिनेटली इस बार का बिग बॉस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है ऐसा सुनने में भी आया है, यू नो ग्रैंड फिनाले थोड़ा सा। हाँ, दोनों विनर्स यार देखा जाए तो ऑडियंस की नज़र में, बिकॉज दोनों को इक्वल प्यार मिला है, यू नो कहने को एक विनर हो गए हैं, बट ठीक है दोनों ही इक्वली लव्ड है बाय द ऑडियंस। यार टेंशन में नहीं, अभी मौसम ऐसा है गाइस, सो यू नो वेदर का भी हो सकता है, सो इट्स
okay, and I just wish him speedy recovery. And Abhishek, please get well soon. शो में क्या चल रहा है? शो में अभी एक हम लोगों ने ट्रैक फिनिश किया, टमाटर स्टोरी था, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस डे का ट्रैक था, अभी एक और ट्रैक आएगा. तो इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आ रहे हैं बैक टू बैक, लोगों का प्यार मिल रहा है और हम बस मेहनत कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल. हाँ जी, यार 15 साल से कोई चीज़ चल रही है तो बदलाव तो आएगा ही ना उसमें. और हमारी खुद की पर्सनल जिंदगी में इतने बदलाव आते हैं तो वो तो एक शो है. और अगर यू नो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अ शो टू फेस. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द लव फ्रॉम द ऑडियंस विच वी गेट ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक देम फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. फैंस के लिए यही बोलूंगी कि थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए. और जितना जितना आपको थैंक यू बोलूं उतना. Okay? Anything else? Thank you. Thank you. Bye.